इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी अरसे के बाद दोबारा ये सिलसिला मैं शुरू किया है। मैं तमाम भाई डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। बहरहाल हमारा यहाँ बैठने का मिल बैठने का मकसद ये है कि एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करनी, ताकि होम्योपैथी की तरक्की और फ़रोग के लिए कुछ हम बेहतरी ला सकें और कुछ हमारे दोस्त डॉक्टर साहबान जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन प्रैक्टिस में जो मुश्किल और परेशानियाँ दरपेश हैं उनको दूर किया जा सके। कुछ मैं आपके सामने जो क्लिनिकल टिप्स पेश करूँगा जो प्रैक्टिस के दौरान जो हमें सहूलत हुई और जिनके रिजल्ट है तो मैं आपको पेश करता हूँ। जब कोई ऐसा कोई वाकया पेश हो जाए गांव में या किसी शहर में तो उस चीज़ का खौफ बड़ा दिमाग पर था। अभी हो जाता किसी को करंट लग गया, दो या चार घर में ऐसे वाकयात हो गए तो हर बंदा है उसके जहन में होता है यार ख्याल रखना, उसको भी करंट लग गया, उसको भी करंट लग गया, ख्याल रखना, ध्यान रखना। इसी तरीके से अक्सर काश्तकार हजरात जो रात का पानी वगैरह तो उन्होंने सामने या हादसा सामने आते रहते हैं सांप का डस जाना, तो ये जो सांप का खौफ है, डसने का जो खौफ है, उसमें बेहतरीन दवाई लेकिनाइनम है, सीएम लेकिनाइनम सीएम। वैसे तो नाजा लेक्सिस ये भी थिकनेस को ख़त्म करती है, एकोनाइट वो मौत का खौफ होता है। ये जो सांप का खौफ पहले से ही पाया जाए, डरे कि मैं नहीं जाता, मैं रात के वक्त ये काम नहीं करता या मैं पानी में नहीं उतरता, मुझे सांप डस लेगा, तो उसमें लेकिनाइनम। अक्सर बच्चों में इम्तिहान का खौफ पाया जाता है। मेरे ख्याल में ये 80-90% बच्चों में इम्तिहान का खौफ पाया जाता है और इसमें जलसीमीम सीएम मैं तो सीएम में इस्तेमाल करता हूँ। डॉक्टर साहब शायद मुख्तलिफ डॉक्टरों के अपने अपने तजर्बात हैं, तो मैं देता दो तीन खुराकें हूँ सीएम की। स्टेज पर जाने का खौफ इसी तरह अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम वैसे मीठे खाने का भी बड़ा शौकीन होता है और मीठा खा लेता है और मीठा खाने के बाद उसे फिर तकलीफ होती है, उसके मीठे के जो बद असर जो है वो भी होते हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश इतनी होती है वो मीठा ज़रूर खाता है। जैसे अक्सर देखा कि शुगर के पेशेंट आ रहे उसे पता है कि हमें तकलीफ होगी लेकिन उनकी तलब इतनी होती है कि वो शुगर वो मीठा खाना पसंद करते हैं, खाने के बाद तकलीफ होना, अर्जेंटम नाइट्रिकम। और हर बिरादरी में या कोई दोस्त अहबाब में भी ऐसे भी होते हैं, देखो आप आ देने से बंदा बड़ा उबाला है, बड़ा जल्दी हुआ है, ये जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, भाई कोई ना परेशान कर रहे वहाँ या कोई काम करना तो जल्दी जल्दी करना, अर्जेंट अपने ट्रक के जिम्मे जा रहे हैं। डॉक्टर राव साहब पिछले आया तो वह दिन गया, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ राव सलीम साहब, तो मैं कोई महसूस ही नहीं, बड़ी लेट थी गई और मैं जल्दी 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 जनाब रघु गया, जल्दी सही दे गया, जल्दी जनाब और खड़ा दे गया, बड़ी तेज़ी ना थी, मैं कुछ नहीं महसूस ही नहीं नाल आते 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 डॉक्टर साहब खैर है तो अंदर आवड़ से थी गड्डी चला लेते हैं। मैं उनको आकर अर्जेंट हम नैट्रिक हूँ, उन्होंने दो चार खुराक खा दिया, कहेंगे यार मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, उससे ठहरा हुआ आ गया है, आराम से मैं पढ़ता हूँ अपना नमाज। मुस्तकबिल का खौफ अक्सर मेरे नज़दीक तो ये है कि हम जैसे उम्र वाले हमारा मुस्तकबिल तो आगे थोड़ा ही रह गया ना, बड़ी परेशानी होती है क्या बनेगा। माओं को जो समझदार माएँ हैं वो अपने बच्चों के लिए बड़ी परेशान होती हैं, फ्यूचर में क्या बनेगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, रोकेरियाकार कुछ सेंसिटिव बच्चे होते हैं जो ऐसे हालात में आ जाते हैं कि यार हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, रोकेरियाकार। मेरे साथ भी अक्सर होता था, मैं सड़क क्रॉस करते हुए बड़ा खौफ खाता था यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, बड़े डर डर के सड़क क्रॉस करता था, तो उसकी बेहतरीन दवा जो है वो एकोटाइट है जो, और अक्सर इसमें बच्चे या बूढ़े बड़े औरतें सड़क क्रॉस करते हुए बड़ी जो है हेजिटेशन होती है, आगे पीछे कभी आगे भागेंगी कभी पीछे, तो एकोटाइट इसमें बेहतरीन है। अच्छा कुछ बच्चे यानी कि
खाते पीने के बावजूद भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। खाना पीना भी मामूल का ठीक है, तो उसमें उसकी एसिटिक एसिड बड़ी अच्छी दवा है। सलेशिया भी बहुत अच्छा काम करती है, ये मैंने आजमाया है अपने बच्चों पे भी, और डॉक्टर साहब ने भी अपने बच्चे पे आजमाया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार क्या खिला दिया तुमने इसको, तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है सलेशिया का। और एसिटिक एसिड, अगर माँ का दूध खट्टा है ख़राब है, बाद उसके बच्चे मुँह नहीं लगाते, तो फिर बात कर दिया कि हम लोग गाय का भैंस का अल्टरनेट करते हैं, या किसी को दे दिया जिसने यानी कि ताज़ा ताज़ा यानी कि बच्चे की पैदाइश है, जी आप दूध पिला दो हमारे बच्चों को। ये पहले ज़माने में तो होता था, अब शायद पता नहीं होता या नहीं होता, पर अब इसमें भी जो एसिटिक एसिड जो है ना बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ पित्त की पथरी के लिए कोलेस्टीनियम, चेलोडीनियम, बर्बरेस, ये दवाइयाँ, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इसकी पित्त की पथरी में दर्द के लिए मैं तो अक्सर बेलाडोना और चैना इस्तेमाल करता हूँ। डॉक्टर जारवी थाल साहब भी चैना का बड़ा वो प्रचार करते हैं कि चैना का बहुत अच्छा रिजल्ट है पित्त की पथरी को रिजॉल्व करने का। अच्छा, सर्दियों के जैसे मौसम है, इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी जिसमें बहुत से ज़रा, मैं तो काली बे और फेरफास और उसके साथ सर में दर्द है तो फिर बेलाडोना लगा दिया, ठंडी ठंडी चीज़ पीने को खाने को दिल करता है तो फास्फोरस लगा दिया, कहे है मतली है तो साथ है पीकाक लगा दी, काली बे और फेरफास थर्टी थर्टी वो साथ चल रही है। तो आपको ये नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी उसमें रिलीफ है। अब ये रिलीफ नहीं है बाल का, कहीं एक दिन में रिलीफ मिल जाता है, किसी को दो तीन खुराकों में मिल जाता है, किसी को चौथे पांचवें दिन जाके रिलीफ मिलता है। इसमें एक और फार्मूला भी है, एक्वानाइट है, कालीबाइक है, ईलम सीपा है, उसके साथ अगर यानी कि खांसी है, बलगमी खांसी है तो एपिकाक भी है, और जखड़ान वाली खांसी है खासतौर पर बच्चों को होती है उसमें एंटीबायोटिक डालता है, बच्चे बाहर नहीं निकाल सकते। बच्चों को खांसी में तो मेरे ख्याल में एंटीबायोटिक डॉटी बेहतरीन रिजल्ट देती है। गले में दर्द और सूजन के लिए एक्वानाइट और बेलाडोना। वैसे डॉक्टर मास साहब कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस आसान है, जो भी टेम्परेचर वाला एक्यूट वाला आता है ना वो एक्वानाइट और बेलाडोना ही होता है। जिस्म गर्म, सर गर्म, पाँव ठंडे, या जिस्म गर्म हीट है, रेडनेस है, नहीं भी सिर्फ गर्म भी है ना, बेचैनी है साथ, एक्वानाइट बेलाडोना। सर्दी लग रही है तो नैटम साथ ये एक्वानाइट कर सकते हैं, यानी कि एक्वानाइट और बेलाडोना के दरमियान का जो रास्ता है ना उसमें जो आता है वो फेरम्पास आता है। एक्वानाइट से भी निकल गया, बेलाडोना से भी निकल गया, आगे फेरम्पास आ गया। मिलाने में तो फिर आप दो साहब आप जो है एपिकाक और चैना भी मिला देते हैं, आप अपने मुखालिफ है एंटीबायोटिक एपिकाक एंटीबायोटिक भी मिला देते हैं। और जिन लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें नहीं आती, अक्सर लेट आती हैं, मैंने तो खैर दो चार केस देखे जो काफ़ी लेट आती हैं, तो उसमें प्लम्बा मेट बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। अच्छा, और मैदे में जलन के लिए जो हम रुबैना, आर्सेनिक एल्बम या और मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड का भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट है मैदे के जलन में, तेजाबियत को ख़त्म करती है। और असाबी और मर्दाना कमजोरी में टाइटिनम 3x, कालीफास 3x, जिंकमेट और सेलेनियम, जिंकमेट और सेलेनियम, इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। फिर फौरी नहीं है, अगर लॉन्ग टाइम उसको इस्तेमाल करेगा और करता रहे, असाब और पट्टे उसके मजबूत हो जाएंगे। दिल के लिए बेहतरीन अद्वियात, वैसे तो हम क्रेटेगस ट्रैक्टस ये इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें बैलेंस पेरिडस और क्रेटेगस क्यू, ये दिल को मजबूत बनाता है। क्रेटेगस दिल की जकड़न को दुरुस्त कर देता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ख़त्म करता है। क्रेटेगस जो शरीयन आर्टरीज हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी रिमूव करता है। और दिल का दर्द अगर कमर के पिछले हिस्से में जाए
पीछे की जाना तो लेट्रोडेक्स, तो दिल का दर्द अगर कमर के पिछले जाना हो तो लेट्रोडेक्स है। मैं अक्सर मैदे वाले औरतें आती हैं, औरतें ये कहती हैं ये जगह दर्द है और पीछे दर्द है, मैं चलो नहीं देता हूँ, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो दिल बंद होता महसूस हो मुट्ठी में, कैक्टस भी है, डिजिटल्स भी, डिजिटल्स की पल्स बहुत वीक होती है, बारीक और वीक गैप देने वाली। अगर दिल के बाल में खराबी है तो मर्कसाल भी काम करती है, मर्कसाल 30 में। वैसे तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में एक्यूनाइट, आर्निका, लेक्सिस, लेडम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब एक्यूनाइट भी खौफ है, बेचैनी है, अब जैसे अटैक हुआ तो अजीब बंदा महसूस करता है कि यार मुझे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है मुझे, वो बेचैनी एक्यूनाइट में आ गई। आर्निका खून की थिकनेस को ख़त्म करती है, कहीं ब्लड क्लॉट क्लॉटिंग फंसी हुई है, लेक्सिस भी वही काम करती है और लेडम भी। अगर मरीज़ कहीं किसी जगह पर बेहोश हो जाए तो हम एमल नाइट्रेट क्यूब उसको सुलवा कर होश में ला सकते हैं। वैसे हार्ट अटैक की दवाई तो हम एक्यूनाइट भी कहते हैं ज़बरदस्त है, और मेरी वालदा को इतना अटैक हुआ बड़े जोर की शिद्दत के, मैंने एक्यूनाइट की खुराक दी मानने में, ठीक 5 मिनट के बाद रिलैक्स हो गया, महसूस ही नहीं हुआ पेन इतना शदीद था, भी सही नहीं। लेकिन बूथराप्स भी ज़बरदस्त है, बूथराप्स भी अगर कहीं किसी यानी कि आर्टरीज में किसी शरीयान में अगर क्लॉट फंसा हुआ है तो वो निकाल देती है, पेचोट्रिंग भी निकाल देती है, आर्निका भी निकाल देती है, लेक्सिस भी है, स्केल कार भी है। तो ये तो हर डॉक्टर का एक अपना अपना एक्सपीरियंस है। दिल का सुराख अक्सर बच्चों में, बहुत सारी मेडिसन है, तो मेरी अपनी यानी कि कज़न की बेटी है, भांजी हो गई, तो ये एक्सरे 30 ये ऑपरेशन से बचा देती है। तो वो चल रही है, मैं तकरीबन 6 माह हो गए हूँ, बची अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर है। और एक दवा है गर्दन में अकड़ाव और कमर दर्द के लिए, वो अक्सर मेरे शाताज को ये हो जाता है, तो मैक्रोटीनियम 3x गर्दन अकड़ के सीधे नहीं होंगे इस तरीके से। वैसे सिमिसिफ्यूगा, बैराडूना, रिस्टाक्स, बैलिस ये दवाइयाँ भी हैं। अच्छा, जब गुर्दों के फेल होने की तो बहुत सारी मेडिसन है, जब शदीद कब्ज हो साथ और साथ ऊँग भी शदीद हो, मेरे कज़न है वो जहाँ भी जाए ना तो बस 5 मिनट बैठे हो नींद, मुझे भी खैर वैसे ही है, बड़ी नींद आया करती थी, बस जब मैं प्रैक्टिस करता था जखीरा के गया, बस बैठा तो उसको मिला एक दो पेशेंट देखे, उसको कुर्सी दी और मैं पीछे जा कर सारा दिन सोया। तो ये ओपियम का बड़ा अच्छा रिजल्ट, ओपियम वो मेरे भाई लड़का था कासिम, तो गया था तो अपना भाई मुलाजिम फोन, वो बैठा था बंदे को बैठ कर, ओए ओए तो कर दो ये करना है, ये कर देना फ्रां कर देना, अब वो जना होगा बड़े गौर से देख रहे हैं, अभी तो बोल रहे थे अभी गैप हो गए। तो ये दवा मुझसे भी कहे, मैंने उनको खुराकें दी थी, मैंने कहा कम से कम आप 2 महीने इस्तेमाल करो, तो मैंने कहा 3-4 खुराकें इस्तेमाल, कहता यार मुझे बड़ा फाका हुआ, वरना मैं कहने गया पीछे सिराना जो है ना वो बिस्तरे का टेक लेकर जो है ना मैंने खुराटे जरूर हो गए, आधा सोता था आधा लेटता था। तो ये ओपियम बड़ा अच्छा काम करती है किडनी फेलियर में, अगर साथ शरीर कब्ज भी हो, मार्फिनियम भी उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अगर क्रिएटिनिन यूरिया का लेवल बढ़ जाए और बेहोशी के लंबे लंबे दौरे पड़े, उल्टियाँ आती हों, सांस में तंगी हो, जब मरीज गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने का मशवरा दिया जा चुका हो तो दवा मार्फिनियम है, दवा मार्फिनियम। और तीसरी बड़ी दवा इसमें जिनमें डायलिसिस वाले पेशेंट में अपना बीपी शूट कर जाता है, बेलाडूना का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो लिया रिजल्ट मैंने नहीं लिया, डॉक्टर साहब ने लिया उसमें उस्मिन की गालबा, तो उस्मिन बहुत अच्छा रिजल्ट लिया, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि किडनी भी यानी कि उस डिजीज़ में किडनी फेलियर की डिजीज़ में, अगर आप बेलाडूना देते हैं रिजल्ट नहीं आता
तो आप उसी रंग के अंदर बेहतर रिजल्ट। अक्सर मैंने तो जिसको भी दिया ना पैरेट आम हालात में, किडनी में तो मैंने नहीं दिया फेलियर के केस में, आम हालात में जिसको भी मैंने दिया है पैराटोना रिजल्ट दिया है। और अक्सर लोगों में पैराटोना में अक्सर कहते हैं हमारे पट्टों में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, जकड़ा हुआ है, तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है दिमाग की तरफ, इस वजह से पैराटोना बड़ा अच्छा काम करती है। वैसे ये कम्बिनेशन है डायलिसिस का, आर्सेनिक एल्बम, एपिस मेलिफिका और कैंथ्रिस। आर्सेनिक एल्बम प्यास की शिदत, गुड़ गुड़ पीना, और एपिस मेलिफिका वो आपको पता है कि जब वो अडिमा हो जाता है, आंखों पे आ गया, चेहरे पे आ गया, पेट में पानी पड़ गया। कैंथ्रिस, ये कैंथ्रिस एपिस मेलिफिका दोनों पेशाब बाहर निकालने के लिए, जब पेशाब बाहर निकलेगा उसका अडिमा भी ख़त्म होगा, सोच वगैरह बल भी उसकी ठीक होगी।